फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कोई चीज ऐसा नहीं बल्कि वैसा है, यानी कोई चीज ऐसा नहीं है जैसा आप जानते हैं बल्कि वो ठीक उसके उल्टा है, या ठीक उसके विपरीत है, या वो ठीक उसके अपोजिट है। जैसे वो बुद्धू नहीं बल्कि वो बहुत होशियार है, वो एक भिखारी नहीं बल्कि एक जासूस था। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने कहा कोई एक नाउन दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कोई एक चीज दूसरे के जैसा नहीं है, कोई एक चीज ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। तो फ्रेंड, जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई एक चीज ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इस वर्ड का मतलब होता है कि विपरीत, के उल्टा या बल्कि। जैसे वो ईमानदार नहीं है बल्कि वो एक फ्रॉड है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने इस सेंटेंस में बोला कि कोई एक नाउन ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी He is a fraud. वह गरीब नहीं है बल्कि वह अमीर है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस सेंटेंस में मैंने बोला कोई एक नाउन ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, यानी वो इस चीज से बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा नहीं बल्कि वो वैसा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नॉट पुअर, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज रिच। वह एक भिखारी नहीं है बल्कि वो एक जासूस है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नॉट अ बेगर, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज अ स्पाई, यानी वो ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, ये इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया कि ऑन द कॉन्ट्रेरी का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि कोई एक चीज ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, यानी वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो ईमानदार नहीं है बल्कि बेईमान है, वह गरीब नहीं है बल्कि अमीर है, वह शरीफ नहीं है बल्कि चालबाज है, वह बीमार नहीं है बल्कि हट्टा कट्टा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।